नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। तो आज हम जा रहे हैं कांगड़ा के महाराजा संसारचंद्र म्यूजियम, जो कि कांगड़ा किले से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। कांगड़ा के शाही परिवार ने अपने पूर्वज महाराजा संसारचंद्र को सम्मानित करने के लिए ये म्यूजियम समर्पित किया है। महाराजा संसारचंद्र के शासनकाल को कांगड़ा के स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता था। महाराजा संसारचंद्र को मात्र 10 वर्ष की आयु में कांगड़ा की गद्दी विरासत में मिली थी। केवल 21 वर्ष की आयु में उन्होंने मुगलों को हराकर कांगड़ा के पुश्तैनी किले को पुनः जीत लिया था। महाराजा संसारचंद्र की प्रजा उन्हें प्यार से पहाड़ी बादशाह कह के बुलाती थी। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम में। यह है हमारे साथ आज हनी। जी सर, ये आ गया सर, पुराना रिकॉर्ड जो कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ सर। पर्शियन लैंग्वेज में। जी जी, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखा है सर। अच्छा, पहले कांगड़ा को बोलते थे त्रिगत। ठीक है सर। कांगड़ा का नरेज था कटोच डायनेस्टी, मतलब राजपूतों में कास्ट जो है कटोच कास्ट से लोग करते हैं। जी जी, ठीक है सर। ये परिवार जो है सर यहाँ से शुरू हुआ है 4300 BC से, इस राजा से शुरू हुआ है। इनका नाम है राजा नका भूमिचंद्र। ठीक है सर। राजा नका भूमिचंद्र से ये परिवार शुरू हुआ, मतलब 4300 BC का मतलब हुआ आज से 6000 साल पहले ये परिवार जो है चल चुका है सर। ठीक है। रामायण आपका इस पीरियड में आया 3000 BC में। 3000 BC में, 3000 BC में रामायण आया। रामायण, लक्ष्मण इन रामायण। रामायण से पहले ये परिवार जो है चल चुका सर। अच्छा, रामायण से पहले का परिवार है। हाँ जी सर। ठीक है। बोलते हैं कि इस राजा की मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ज्वाला जी माता का नाम सुना होगा सर। जी जी जी। उनकी आंखों की बूंद जो एक नीचे जमीन पर गिरी, तब इस राजा की उत्पत्ति हुई, तब इनका नाम पड़ा राजा नका भूमिचंद्र। आज से 6000 साल पहले। 6000 साल बिफोर क्राइस्ट, मतलब 4300 BC। हाँ जी। नंबर टू पे जैसे सिंह चंद्र लिखा ये जी, राजा का सबसे बड़ा बेटा जो होता है वो ही गद्दी में बैठता है। ठीक है। इसी तरह ऐसे परिवार चल रहा है। अच्छा, जब आइए आप यहाँ पहुँच गए। हाँ जी, जी। ये कांगड़ा फोर्ट जो है सुशर्मा चंद्रा टू ने बनाया है 1500 BC का मतलब हुआ आज से 3500 साल पहले इन्होंने बनाया कांगड़ा। जो निंदा महाभारत, जब भी आप महाभारत सीरियल देखते हैं जो आपने देखा होगा तो इनका नाम जरूर आता है सुशर्मा चंद्रा टू का, और ये अंगेष्ट लड़े थे सर। वो जो कांगड़ा का फेमस राजा रहा सर वो ये रहा संसार चंद्र टू 1775। इस पेड़ को बोलते गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा। गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा। हाँ जी। संसार चंद्र टू ये फेमस राजा रहा सर कांगड़ा का। अच्छा जी। इस पेड़ को बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा, चाहे आप कल्चर की बात कर लो, चाहे पेंटिंग की, चाहे नेचर पेंटिंग की, इनके टाइम पे जो है सुधार हुई है, फेमस राजा ये रहे। अच्छा। उसके बाद लास्ट राजा ये रहे महाराजा ध्रुव देव चंद्र। यहाँ तक जो है राजपाट चला, उसके बाद फोर्ट जो है इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया था 1947 के बाद। 1947 से पहले इनके पास था, 1947 के बाद इन्होंने कांगड़ा फोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। अब इनका वंश तो अभी भी चल रहा है जी। अब ये रॉयल फैमिली आ गई। राजा आदित्य देव चंद्र हेड ऑफ फैमिली प्रेजेंट लाइफ धर्मशाला में रहते हैं। अच्छा, धर्मशाला में। हाँ जी। और इनका लड़का टिक्का राजेश्वर देवचंद्र, ये दिल्ली में। हाँ जी। और इनका लड़का इंग्लैंड में MBA कर रहा है टिक्का मिश्रा देवचंद्र। अच्छा। और ये अब इस टाइम जो ये बचपन का फोटो है, इस टाइम ये है टिक्का मिश्रा प्रिंस ऑफ हिमालयस। हाँ जी सर। बीकेश्वर ऑफ कांगड़ा। और ये इनका पर्सनल म्यूजियम है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जब 1947 के बाद जब कांगड़ा फोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था, अब इस टाइम ये है प्रेजेंट। अच्छा, प्रेजेंट जो है। हाँ जी। वो राजा आदित्य देवचंद्र। हाँ जी, हेड ऑफ फैमिली। और ये सबसे ओल्ड सिंहासन जो है तो ये संसार चंद्र राजा का।
ओल्ड सिंहासन, सबसे ओल्ड सिंहासन जो है तो ये संसार चंद्र का सिल्वर का सिंहासन है ये। हाँ जी। और ये तलवार जो रखी है उन्होंने यूज की थी, हम नया नाम रखा दरबार लगाया, ये वहाँ पे राजा ही बैठते हैं सिल्वर के सिंहासन पे, संसार चंद्र जी वहाँ पर सबसे बड़ा लड़का उस गद्दी पर। अच्छा, सबसे बड़ा लड़का जो है वो इस गद्दी पे, ठीक है, सिल्वर की कुर्सी पे मंत्री, और ये मंत्री के लिए सिल्वर की कुर्सी, सिल्वर की कुर्सी। ये आ गया सर 18-19 सेंचुरी का क्रोकरी पोर्शन, इसमें आपको सिल्वर मिलेगा, गोल्ड प्लेटेड और मेकअप का सामान और रॉयल फैमिली का यूज किया हुआ सामान। अच्छा, और ये आप फोटो जो देख रहे हैं, हाँ जी, ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये प्रेजेंट रानी की फोटो है बचपन की, प्रेजेंट, हाँ जी। तो इनको डॉग पालने का बहुत शौक था, ये डॉग शो से अचीव की है सारी ट्रॉफी, सारी ट्रॉफी है, हाँ जी, अभी भी हाई क्वालिटी के डॉग रखे हैं। और इसमें आपको सिल्वर मिलेगा, गोल्ड प्लेटेड और मेकअप का सामान 18-19 सेंचुरी का जो उन्होंने यूज करके रखा हुआ है जी। ये आगे सर जयचंद्र राजा जी, इन्होंने फर्स्ट डोगरा अरेंजमेंट जो है इनके थ्रू तैयार हुई थी। ये आगे टेलीस्कोप दूसरी दूरबीन राजा के टाइम की, ये गांधी का चरखा आ गया, ये राजा का शेविंग रेजर आ गया, ये ब्रिटिश टाइम का कैमरा, उन्होंने फोटो भी खींची अपने टाइम में सर। अच्छा, ये लोक आ गए सर गेट के, गेट के लोक, हाँ जी, उस जमाने में लोहार घर में बैठ के बनाते वो वाले लोक है ये। अच्छा, ताले, इस पारी कटर आ गए, ये जयचंद्र राजा की आनक, और ये पेन, ये पॉकेट वॉच, पहले दूसरी वॉच चलती थी पॉकेट वॉच, ये इनकी है सर पॉकेट वॉच, हाँ जी, ये राजा जयचंद जी की है जो आपको फोटो दिखाया वो वाला, ये राजा के टाइम का रखा और मैं ये ग्रंथ आ गया राजा के टाइम जी, सारे ग्रंथ इन्हीं के टाइम के हैं, हाँ जी, राजा के टाइम के। अपने अपने लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, कुछ देवनागरी भाषा है, कुछ संस्कृत में, अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज। अच्छा, अपनी अपनी लैंग्वेज में ये राजा थे ना जी, जी पेंटिंग के मामले में और कला के मामले में बहुत आगे थे, जो संसार चंद्र जी के टाइम की ही ये सारी पेंटिंग है, और ये राजा के टाइम की जन्म कुंडली ऊपर चार्ट जो बना। अच्छा, ये राजा, अच्छा, ये जन्म कुंडली। ये आगे सर रानी की पद की, जैसे रानी साहब आसाम किसमें घूमने जाते थे, हाँ जी, भ्रमण करने जाते थे, तो ये पद की जो हाथी के ऊपर रखी जाती थी ये बात। और ये आगे जी, ये आगे कॉइंस जी, ये हिंदू राजाओं के बीच में मुगलों के, ये पोस्ट बीच में मुगलों के, ये बीच में मुगलों के, ये हिंदू राजा, बाबर, हुमायूं, अकबर, हाँ जी सर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और कौन है ये कांगड़ा के सिक्के हैं सर, कॉइंस, ये सारे कॉइंस हैं, ये पोस्ट ऑफिस की स्टैंप है उस टाइम की। अच्छा, उस टाइम की, हाँ जी, पोस्ट ऑफिस स्टैंप। ये आगे सर ग्रंथ उस टाइम के राजा के टाइम के लिखे हुए, और ये आगे सर कार्ड जो लास्ट राजा ध्रुवदेव चंद्र था, उन्होंने जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र, उनको इन्होंने दिया था। ये पेंटिंग का सामान आ गया जी, ये बच्चों के कपड़े आ गए उस टाइम के राजा के टाइम के, चूड़ियाँ आ गए उनके टाइम के,
और ये बच्चों के कपड़े हैं। ये है सोने की तार से बुनती की हुई, ये सोने की तार से। हाँ जी, जैसे राजा जी भोजन करते थे तो इसके ऊपर ये गोल सा जो बना है इसके ऊपर पहले थाली रखी जाती थी जी, फिर भोजन ग्रहण करते थे। यहाँ पे थाली आ गई, यहाँ कटोरियाँ आ गई जी, यहाँ कटोरियाँ। हाँ जी, फिर भोजन ग्रहण। और ये सोने की तारों से बुनती बुना हुआ है, ड्रेसें बताई हुई है सर। अब जो रॉयल फैमिली जो है इस टाइम ऐसी ड्रेसें यूज करते हैं विवाह शादियों में, विवाह शादियों में ऐसी ड्रेसें यूज करते हैं, और वो जो आप देख रहे हैं वो ब्रिटिश टाइम की है। ये ब्रिटिश टाइम की है। हाँ जी, और ये आगे विवाह शादी में दुल्हन को इस तरह सजाते हैं। अच्छा राजे जी 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 तरह। जी, और ये हिमाचल कल्चर का आ गया। अच्छा, हिमाचल कल्चर के? ये हिमाचल कल्चर है। ये आगे सर रानी के बच्चों के खेलन पहन के, ये सब सिल्वर के झूले, पलंग, बेड सिल्वर के, चांदी के, चांदी के हैं सर। ये राजा का बेड है, ये झूला आ गया, और ये कुर्सी है, ये सारा सिल्वर के हैं सर, मतलब ये सारे चांदी के। ये आ गया सर वेपन पोर्शन, वेपन पोर्शन। हाँ जी, जो यूज किए हुआ सर, कुछ ब्रिटिश टाइप का, कुछ राजा के टाइप का। ये जी जी, ये तलवारें आ गई, बंदूकें आ गई, ये तीर आ गए, ये सब यूज किए हुआ सर। गोले वाली गन, इसके ऊपर गोला पड़ता था ऊपर। बैटल ऑफ कांगड़ा हिल्स 1337 में। अच्छा, इसमें गोला पड़ता था। गोले वाली गन है, इसके आगे गोला पड़ता था। और ये पहले इस तरह से पहला वेस्टर्न मॉडल बनाए हैं, जैसे ब्रिटिश टाइम में ऐसे सुरक्षा कवच डालते थे लड़ाई के समय, लड़ाई के समय इस तरह से तैयार होते थे। और ये आ गया सर जो कांगड़ा का फेमस राजा रहा संसार चंद राजा, उनका सुरक्षा कवच है, उन्होंने यूज किया है। और ये आगे तलवार उस टाइम की राजा की, ये धनुष है ना, और ये आ गया सोने की अंगूठी है, सोने की अंगूठी। क्या बात। अच्छा, ये सबसे ऊपर जो रखी हुई है वो सोने की अंगूठी है। हाँ जी सर, तलवार। और ये तलवार। ये आ गया सर पूजा का सामान, जैसे राजा लोग पूजा के लिए जहाँ भी जाते थे तो ये सारा पार्ट जो है पूजा का है। ये टूल्स आ गए सर वेपन के। अच्छा, ये ब्रिटिश टाइम की टॉर्च है। क्या बात है। ये राजा के, अच्छा जी, खड़वा, खड़वे हैं, खड़वा बोलते हैं, सिल्वर की है, सिल्वर की। चांदी के खिलौने राजा के बच्चों के, चांदी के खिलौने, पूजा का सामान, ये सारा पूजा का सामान है सर, जैसे राजा लोग जान जाते थे जी जी, ये सामान लेके जाया करते थे। ये राजा की पालकी सिल्वर की, चलो मतलब ये भी हाथी पे रखते थे, ये भी हाथी के ऊपर रखी जाती थी जी, जैसे राजा घूमने जाते थे तो हाथी के ऊपर रखी जाती थी सिल्वर की पालकी जी। ये कैंडल महलों में लगते थे। ये म्यूजिक सिस्टम पलटा गया उनके टाइम से। राशिफल जो होती थी पहले जी, राशिफल जी, जैसे ग्रह गोचर जो होते हैं जी जी, वो आगे, ये आगे पत्थर का मतलब रोटी बनाने वाला चकला, ये पत्थर का, ये उल्टा करके रखा हुआ राजा के टाइम के।
अच्छा ये थाली होती थी, ये सिल्वर की है सारी? हाँ जी, ये राजा की है, सिल्वर की थाली। और ये मतलब ये सारा खाना खाना स्टार्टिंग में आज से 3,500 साल पहले ऐसा होता था, चारों तरफ पानी होता था, ये पानी से घिरा था, ये बांस का पुल बनाया जी। अगर इसको उठा देते तो इसके अंदर दुश्मन नहीं जा सकता था, कोई एंट्रेंस है, एंट्री नहीं कर सकता, एंट्री नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में ऐसा होता था 3,500 साल पहले ऐसा होता था। 1905 जी, जब 1905 में वो भूकंप आया था तो ऐसा था कांगड़ा फोर्ट, बिफोर आफ्टर दर्थ हुई, ऊपर आ गया आपका कोतवाली बाजार, मैकलोडगंज, धर्मकोट, सब कुछ नष्ट हो गया, डह गया। ये सर क्रिस्टल की गलियां आ गई। अच्छा क्रिस्टल की है सारी? क्रिस्टल की है सारी, क्या बात है। आप जो फोटो जो फिर ये नीचे जी जी, ये द्रुपदेव चंद्रा लास्ट राजा जो थे, जो लास्ट राजा थे, जो लास्ट राजा यहाँ कह रहे जी, वो द्रुपदेव चंद्रा। अच्छा इनके बाद इन्होंने फिर वो गवर्नमेंट को दे दिया, इन्होंने किया था, इन्होंने किया। हाँ जी, मतलब ये लास्ट राजा द्रुपदेव चंद्र 7 साल की उम्र में गद्दी में बैठ गए थे। 7 साल की उम्र में? हाँ जी, द्रुपदेव चंद्र। और ये इनके पिताजी होकर जयचंद्र, जयचंद्र। हाँ जी, इन्होंने जो है 1947 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया था कांगड़ा फोर्ट द्रुपदेव चंद्र। जी जी, ये आगे सर ग्लास पेंटिंग 200 साल पुरानी। 200 साल पुरानी ग्लास पेंटिंग? हाँ ग्लास पेंटिंग है सर। ये आगे सर शीट्स 200 साल पर अभी भी वैसी की वैसी हैं, वैसी की वैसी हैं। हमारा म्यूजियम शॉप, म्यूजियम शॉप, म्यूजियम शॉप जी जी। इसमें इंडिया का हर स्टेट का आदमी यहाँ पे एज ए टूरिस्ट आता है जी जी, जी। उस हिसाब से उनका इंटरेस्ट के देख के हमने ये पूरा सामान रखा हुआ है जी। जैसे कांगड़ा की फेमस चाय जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। अच्छा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट वाली चीज़ें आपने यहाँ पे रखी है, चाय जिसमें डीप में भी है, लीव्स में भी है। अच्छा ठीक है, ये लोकल पिकल्स। अच्छा लोकल पिकल्स, लोकल पिकल्स, लोकल पिकल्स में क्या है, नंबर एक ब्रास, ब्रास में रोडोडन पिकल, खट्टा मीठा ठीक है। इसी का ही सेम स्क्वैश, ब्रास का फूल है, ब्रास का उसकी चटनी, चटनी है ठीक है। ये हम जो कस्टमर लेते हैं उनको टेस्ट करके देते हैं जी जी, पहले टेस्ट करो फिर आप परचेज, फिर आप परचेज ठीक है। ये आ गया आपका स्क्वैश, हार्ट का बेस्ट आइटम जी जी, रोडोडन का, रोडोडेंड्रोन का ही ये बना हुआ है, बना हुआ है स्क्वैश। जैसे आपका रू अफजा है, से रू अफजा है, रू जैसे रू अफजा यूज करोगे वैसे इसको यूज करना जी जी ठीक है। नंबर ये आपका आ गया गार्लिक, लहसुन, लहसुन जो सर्दी में बेस्ट आइटम ये है आजकल जी जी। नेक्स्ट आ गया आपका बैम्बू पिकल, बैम्बू, बैम्बू पिकल बांस का, बांस का, बांस का पेड़ होता है उसे बीच में एक स्ट्रेट पोर्शन निकलता है जी जी, स्टार्टिंग में जो छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, उसको काट काट के ये बनता है जी जी। ये जो है ये पर्टिकुलर आसाम बंगाल के जो टूरिस्ट आते हैं जी जी, वो इसके ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं जी, है ना। ये हो गया जी। नेक्स्ट आपका हनी, ई हनी, लोकल हनी, इसका नाम भी हनी है, ये लोकल हनी ठीक है। अच्छा ये लोकल हनी, ये हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग की कॉफी मग, अच्छा जिसमें कांगड़ा पेंटिंग कराया हुआ है। अच्छा जिसमें कांगड़ा पेंटिंग, पेंटिंग कराया हुआ है, जस्ट आप कांगड़ा फोर्ट। अच्छा इसमें कांगड़ा, कांगड़ा फोर्ट का पेंट कराया हुआ है ठीक है जी जी जी, डिजाइन कांगड़ा। अच्छा उसके बाद आपका पेंटिंग महाराज, ये सुजानपुर टीरा का, अच्छा सुजानपुर, सुजानपुर टीरा प्लस कांगड़ा पेंटिंग जी जी जी, ठीक हुआ ठीक ठीक। अच्छा उसके बाद कांगड़ा पेंटिंग, अच्छी कांगड़ा पेंटिंग ये जी जी, बहुत सुंदर ये हो गया। साथ में टी शर्ट्स, अच्छा ये टी शर्ट्स हैं जिसमें कांगड़ा फोर्ट का प्रिंट कराया हुआ है। अच्छा जी जी ठीक हो गया। वुडन क्राफ्ट, अच्छा वुडन क्राफ्ट है ये, वुडन क्राफ्ट। और ये ज्वेलरी आ गई, ये शॉल, शॉल में स्टॉल, मफलर जी जी, ये आ जाएंगे इसमें लो से लेके हाई तक, लो से लेकर हाई तक, इवन पश्मीना तक, पश्मीना, साथ में कांगड़ा
मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग हम सेल करते हैं, ठीक है सर? ये हो गया, ठीक सर जी। और साथ में हमारा ऊपर रेस्टोरेंट, अच्छा ऊपर रेस्टोरेंट, हाँ जी जी जी, ये हमारा छोटा सा सेटअप है जी, ये सर ऑडियो गाइड, ये साथ में ऑडियो गाइड, अच्छा यहीं की है ये? हाँ, इसमें आपको फोर्ट का मिलेगा, म्यूजियम का मिलेगा, अच्छा फोर्ट का भी मिलेगा और म्यूजियम का भी मिलेगा जी। तो इसका रेट जो है अलग होता है, अच्छा उसके हॉरन का 236 विद जीएसटी जी, इंडियन का 177 विद जीएसटी जी, साथ में दो हेडफोन देते हैं जी जी, इंग्लिश हिंदी तिब्बती लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज है इसमें जो कस्टमर लेना चाहे जी। सर मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर बीएस जमुआर जून 15 2016 से एज ए मैनेजर यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं एसएसबी फोर्स में था, पेंशन आने के बाद यहाँ ज्वाइन कर लिया। तो ये महाराज संसार चंद जो हैं, जो कांगड़ा के जो हमारे पुराने राजा फैमिली हैं, तो उनका ये प्रॉपर्टी है, इसमें गवर्नमेंट का या टूरिज्म का कोई लेन देन नहीं, ये उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। जो सामान 1947 से पहले किले में होता था, वो सामान इस फैमिली ने अपना एक अलग म्यूजियम बनाया, 2010 से इसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो इसमें क्या है, हमारा जितना भी सामान है, जो भी बैकपन है, कुछ और जितनी रिलेटिव फैमिली के जो सामान है, सब यहाँ पे रखा हुआ है। तो इंडिया का हर टूरिस्ट का यहाँ पे आते हैं, देखते हैं और प्रेज करते हैं। धन्यवाद सर। जब आप चाहो अच्छा खाना, कांगड़ी धाम, पंजाबी थाली, वैसे लोकल खाना, जो भी दिल चाहे। कांगड़ी धाम मिलती है यहाँ पे? मिलती है जी, कांगड़ी धाम और पंजाबी खाना, पंजाबी थाली, पंजाबी थाली जी। आपका नाम? रमेश चंद। अच्छा जी, आप यहाँ के इंचार्ज हैं जी। वेलकम, जब भी आप आओ खाने का ऑर्डर दीजिए, अच्छा खाना मिलेगा, फ्रेश और अच्छा खाना, ताजा बना के देते हैं जी।